हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। जैसे कि कल हम स्वर पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। स्वर किसे कहते हैं, स्वर के कितने भेद होते हैं, तो आज हम व्यंजन वर्ण पढ़ेंगे, ठीक है। व्यंजन किसे कहते हैं और कितने इसके भेद होते हैं। व्यंजन उन्हें कहते हैं जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं या स्वर की सहायता के बिना उच्चारित नहीं किए जा सकते, ठीक है। जब हम व्यंजन का उच्चारण करेंगे तो इसमें स्वर की सहायता हमें लेनी पड़ेगी, ठीक है। व्यंजन का उच्चारण काल अर्धमात्रा काल है, ठीक है। जिस व्यंजन में स्वर का योग नहीं होता उसमें हलंत का चिन्ह लगाते हैं, जैसे क ख ग ये, ठीक है ना। इनके नीचे हलंत लगा हुआ है, देखो यहाँ पे। तो ये हलंत लगने के बाद इसका मतलब होता है इसमें स्वर नहीं है, स्वर रहित है, ये आधा व्यंजन है, ठीक है। संस्कृत भाषा में इसकी संख्या 33 होती है। अगर पूछे तो व्यंजन कितने होते हैं, तो कितने होते हैं, 33 होते हैं, 33 होते हैं, ठीक है। जैसे कैसे लेकर है तक, ये आपको दिखाई दे रहा है ना, कै ख ग घ यें च च छ ज झ यें टै ठ ड ढ ण तै थ द ध न प फ व भ म य र ल व स स है, ठीक है। तो इन सब के नीचे हलंत लगाया हुआ है, तो ये सारे क्या है, स्वर रहित व्यंजन है। इसमें स्वर नहीं है, ये बिना स्वर के व्यंजन है, ठीक है। अगर हम इसमें स्वर को मिला देते हैं तो ये पूरा व्यंजन बन जाता है, ठीक है। ये ऊपर लिखे गए सभी व्यंजन स्वर रहित है, किसी में भी स्वर नहीं है, हलंत लग चुका है, मतलब स्वर रहित है। इनके स्वर रहित रूप को समझने की दृष्टि से हमें हल चिन्ह लगाया गया है। जब किसी व्यंजन का किसी स्वर के साथ मेल करते हैं तब हलंत चिन्ह हटा देते हैं, ठीक है। व्याकरण में व्यंजन का अभिप्राय स्वर रहित हल व्यंजन से ही लिया जाता है, व्यंजनों के साथ स्वरों का संयोग। अब देखिए, हलंत व्यंजन में अगर हम स्वर मिला देंगे तो पूरा व्यंजन बन जाता है, ठीक है। जैसे कै, कै में ए मिलाया तो क्या बन गया, कै, ठीक है। कै हलंत कै में आ मिलाया तो क्या बन गया, का। हलंत कै में ई मिलाया तो क्या बन गई, की। और हलंत कै में ई मिलाया तो क्या बन गया, की। हलंत कै में ऊ मिलाया तो क्या बन गया, कू। हलंत कै में ऊ मिला तो क्या बन गया, कू। हलंत कै में री मिलाया तो क्या बना, क्री, ठीक है। और हलंत कै में री मिलाया तो क्या बन गया, क्री। जैसे ये वाला री होता है, ठीक है, जैसे यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक दी हुई है, इस मात्रा को ऐसे 2 बार करते हैं, ये होता है दृग जी, ठीक है। अब हलंत कै में ली मिलाया तो क्या बन गया, कलरी, ठीक है। हलंत कै में ए मिलाया तो क्या बन गया, के। ऐसे ही हम आगे बढ़ते हैं, हलंत कै में ए मिलाया, ए मिलाया तो कई, कै में ओ मिलाया तो को, कै में औ मिलाया तो कौ, ठीक है। ये हमारे अर्थ स्वर है वो पूरे हो चुके हैं, ठीक है ना, वो मिलाने के बाद में पूरा व्यंजन बन जाता है। अब व्यंजन के भेद, व्यंजन किसे कहते हैं ये पढ़ लिया, व्यंजन कैसे पूरे होते हैं वो पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे व्यंजन के भेद, कितने भेद होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। उच्चारण की भिन्नता के आधार पर व्यंजनों को निम्न 3 भागों में विभाजित किया गया है। हम व्यंजन का उच्चारण करते हैं तो उसके आधार पर हम इनको 3 भागों में बांटेंगे, ठीक है। स्पर्श, अंतस्थ, उष्ण, ठीक है।
स्पर्श अंतस्थ पुष्प व्यंजन, तीन भागों में हम इनको बांटेंगे। किसके आधार पर? उच्चारण के आधार पर। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं स्पर्श व्यंजन। जिन व्यंजनों का उच्चारण करने में जीवा मुख के किसी भाग को स्पर्श करती है और वायु कुछ क्षण के लिए रुककर झटके से निकलती है तो वे स्पर्श संज्ञक व्यंजन कहलाते हैं। जैसे इसका सूत्र भी है, एक सूत्र में ही सारी परिभाषा आ जाती है। कादयो मौशाना स्पर्शा, मतलब कादयो मौशाना स्पर्शा, इसका मतलब होता है कैसे मैं तक, कैसे मैं तक जितने भी व्यंजन होते हैं वो सारे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, इनकी संख्या 25 होती है। कितनी होती है स्पर्श व्यंजनों की संख्या? 25। जैसे कैवरग चैवरग टैवरग तैवरग पैवरग, ठीक ना, पै पतग पैवरग तक। जैसे कैवरग में कितने आते हैं? 5। कै खै गै घै, ये इस प्रकार से सब में पांच पांच आते हैं। ठीक है ना, आप काउंट कर लो तो ये टोटल कितने हो गए? 25। अब हम इसका दूसरा प्रकार पढ़ते हैं, अंतस्थ व्यंजन। क्या पढ़ेंगे? अंतस्थ व्यंजन, जिन व्यंजनों का उच्चारण वायु को कुछ रोककर अल्प शक्ति के साथ किया जाता है वे अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, जैसे इसका भी सूत्र है, यणो अंतस्था यणो अंतस्था, अर्थात यण प्रत्याहार में जो जो वर्ण आते हैं ये वे रे ले, अंतस्थ में कौन कौन से आते हैं? ये वे रे ले, और इनको शॉर्ट रूप में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? यण वर्ण, ये वे रे ले, चारों को क्या बोलेंगे? यण वर्ण। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन है, यण वर्ण भी बोलेंगे अंतस्थ व्यंजन भी बोलेंगे इनको। ठीक है, इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है, ये वे रे ले। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे उष्म व्यंजन। क्या पढ़ेंगे? उष्म व्यंजन। ठीक है, जिन व्यंजनों का उच्चारण वायु को धीरे धीरे रोककर रगड़ के साथ निकाल कर किया जाता है वे उष्म व्यंजन कहलाते हैं। जैसे सल उष्माणे, अर्थात सल प्रत्याहार कौन से होते हैं भाई? सल प्रत्याहार कौन कौन से वर्ण आते हैं इसमें? से से है। ठीक है, इनको सल प्रत्याहार भी बोल सकते हैं और इनको उष्म व्यंजन भी बोलते हैं। इनकी संख्या भी कितनी होती है? 4 होती है। आपसे पूछे अंतस्थ व्यंजनों की संख्या होती है तो कितनी होती है? 4। और ऐसे ही पूछे कि उष्म व्यंजनों की संख्या कितनी होती है तो कितनी होती है? 4। ठीक है, 4। अब इसके अलावा भी कुछ वर्ण और बच गए, इनको पढ़ते हैं। इनके अतिरिक्त 3 व्यंजन हैं और जिन्हें संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। जैसे है तक, देखो कैसे लेकर है तक पढ़ते हैं हम व्यंजन। ठीक है, तो इनके अलावा 3 और भी पढ़ते हैं, जैसे अक्षय त्रय पढ़ते हैं ना, तो इनको हम क्या बोलते हैं? संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। संयुक्त व्यंजन क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये दो दो व्यंजनों से मिलकर बने होते हैं। ठीक है ना, तो ये दो दो व्यंजनों के मेल से बनते हैं। जैसे अक्षय, अक्षय किससे बना हुआ है? कै हलंत कै और हलंत से, अक्षय। ठीक है, हलंत तय हलंत रय से त्रय और जय और ये से गे। ठीक है, तो हम ये सब पढ़ चुके हैं, तो आपको क्या करना है? इसका थोड़ा रिवीजन भी करना है। आपको ये भी देखना है कि स्पर्श व्यंजन कौन कौन से होते हैं, इनकी संख्या कितनी होती है। ठीक है, और वैसे वर्ण कितने होते हैं स्वर व्यंजन? अब स्वर को कितने भागों में बांटा गया है, व्यंजन को कितने भागों में बांटा गया है, अब व्यंजन के कौन कौन से भाग है, उच्चारण स्थान के आधार पर इनको कितने भागों में बांटा गया है, वो कौन कौन से है। ठीक है, संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, ये सब आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ठीक है, ओके, थैंक यू।